और रफेल विमान के तौर पर भारतीय आकाश को नया सॉलिड पहरेदार मिल गया है। जी हां, राजनाथ सिंह ने पूजा पाठ की और विमान में 22 मिनट तक उन्होंने उड़ान भी भरी। लेकिन यही सब कांग्रेस को अब सरकारी ड्रामा दिख रहा है। देखिए, आपको हम चार तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर राजनाथ सिंह ने, जो कि रक्षा मंत्री है, पूरे विधि विधान से शस्त्र पूजा की। जैसे ही रक्षा मंत्री ने राफेल पर ओम लिखा, वैसे ही दशहरे पर सबसे बड़ी शस्त्र पूजा का शंखनाद हुआ। एयरफोर्स डे के दिन राफेल का भारतीय बेड़े में श्री गणेश हो गया। चार राफेल हिंदुस्तान की ताकत में तूफान बनकर शामिल हो गए। हालांकि राफेल को भारत पहुंचने में अभी कुछ महीने और लगेंगे। कम्बेट कैपेबिलिटी हमारी एयरफोर्स की जो बढ़ गई है, राफेल होने से हम हवा से हवा में मार कर सकते हैं, हवा से जमीन में मार कर सकते हैं, और एक ही साथ हवा में भी मार कर सकते हैं, हवा में और जमीन पर भी हम मार कर सकते हैं। यह क्षमता बड़ी है। राजनाथ सिंह ने राफेल की बोनट और कॉकपिट शील्ड पर फूल, नारियल, अक्षत चढ़ाए, सेंसर नोज पर रक्षा सूत्र बांधा, पहिए के नीचे नींबू रखे, पूरे विधि विधान से शस्त्र पूजा की। दक्षिण पश्चिमी फ्रांस के बोर्डू शहर में दसों एविएशन के असेंबली सेंटर में भारतीय वायुसेना को राफेल की पहली किश्त मिली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मेरिनेक एयरबेस से आसमान के इस बाहुबली में उड़ान भी भरी। राफेल के गृह प्रवेश के साथ ही चीन और पाकिस्तान में खलबली क्यों मची हुई है, ये भी जान लीजिए। राफेल सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक जैसे एक्शन को आसानी से अंजाम दे सकता है। ये बेहद कम ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है तो बहुत ऊंचाई तक जाकर भी मिसाइल दाग सकता है। राफेल से परमाणु मिसाइल भी लॉन्च की जा सकती है। दुश्मन के विमान को मार गिराने के लिए दुश्मन की हवाई सीमा में जाने की भी कोई जरूरत नहीं। राफेल को रडार में पकड़ना मुश्किल है, उल्टा ये दुश्मन को पहचान कर तुरंत ध्वस्त कर देता है। 100 किलोमीटर के अंदर ये 40 टारगेट को एक साथ पहचान कर ध्वस्त कर सकता है। दुनिया में फ्रांस, इजिप्ट, कतर के बाद भारत चौथा देश है जिसकी वायुसेना में राफेल शामिल हो गया है। राफेल अगले साल मई तक हिंदुस्तान के आसमान में गरजेगा। सभी 36 राफेल विमान 2022 तक भारत को मिल जाएंगे। अभिषेक भल्ला, बोर्डू, फ्रांस, आज तक। वैसे राफेल की राजनीति से कांग्रेस का चुनावी रिश्ता रहा है। राहुल गांधी राफेल राफेल चीखते रह गए। अब राजनाथ की उड़ान से लेकर विमान की पूजा पाठ, सब कुछ कांग्रेस के सपनों का क्रैश कर गया। Also, this whole religious context of Vijayadashmi and the Rafael aircraft doesn't match. It's a festival that all of us celebrate. Why do you have to link it with coming in of an aircraft, not coming in of an aircraft? This is the whole problem with this government. You dramatize and make a drama of everything without any substantive work. A government that is scared to share the details of the financial issues in Rafael wants to project Rafael as some great achievement of theirs. It's not that. It's an achievement of the India's finances, India's defense forces who selected this weapon, of the continuous governments that under Manmohan Singh selected this aircraft, signed the deal. And I think the only credit that can go to this government is to have bought it at far more expensive rates than otherwise we would have got. और हरियाणा की आदमपुर सीट से बीजेपी उम्मीदवार सोनाली फोगाट नेतागिरी की रेस में बहुत तेज दौड़ रही है। भारत माता की जय नहीं लगाने पर उन्होंने सबको पाकिस्तानी ठहरा दिया। विवाद बढ़ा तो टिकटॉक नेता ने माफी मांग ली। मेरे साथ एक जय घोष करेंगे, भारत माता की, भारत माता की। क्यों, वही पाकिस्तान से आए हो क्या आप लोग? बालसमंद गांव में मेरा एक कार्यक्रम के तहत जाना हुआ और उस सभा में बाकी लोगों के साथ साथ एक साइड में कुछ लड़के भी थे,
उसी गांव के थे, कॉलेज के लड़के थे और मेरा उसी गांव में जन्म हुआ है। मैं बालसमंद गांव की बेटी हूं और जब मैंने अपना संबोधन देना शुरू किया और भारत माता का जयकारा लगाया तो उन लोगों ने, यानी उन लड़कों ने भारत माता की जय नहीं बोली। मुझे गुस्सा आया और मैंने कह दिया कि क्या आप लोग पाकिस्तान से आए हैं। बस इस बात का इश्यू बन गया और अगर इस बात से किसी को ठेस पहुंची है तो मैं माफ़ी चाहती हूं। लेकिन मैं उन अपने छोटे भाइयों को बताना चाह रही थी कि हमारा जो देश है उसके सम्मान के लिए हमें बोलना चाहिए, भारत माता की जय हमेशा बोलना चाहिए। क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, हम अपने देश की जय नहीं बोलेंगे तो क्या कर सकते हैं हम। और हरियाणा में चुनाव से पहले कांग्रेस में बवाल छिड़ गया है। पार्टी छोड़ने वाले अशोक तंवर की वापसी की मांग उठने लगी है। रणदीप सुरजेवाला से अशोक सिंघल हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की, देखिए। कांग्रेस के दिग्गज नेता और कैथल से विधायक रणदीप सिंह सुरजेवाला एक बार फिर चुनावी मैदान में है। किन मुद्दों को लेकर वो मैदान में उतरे हैं, बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है खुद रणदीप सिंह सुरजेवाला। सुरजेवाला जी, आपके चुनावी मुद्दे क्या है, सबसे बड़ा मुद्दा क्या है इस बार चुनाव में आपके लिए? सबसे बड़ा मुद्दा हरियाणा प्रदेश में समेत कैथल के है, भारतीय जनता पार्टी का कुशासन, अहंकार, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, मंदी और तालाबंदी। पूरा हरियाणा त्राही त्राही कर रहा है। 4000 क्लर्क के पदों के लिए 15,07,000 बच्चे अप्लाई करते हैं। हरियाणा में हर व्यवसाय, दुकानदार, आड़ती, धंधा तालाबंदी की कगार पर है। आप किसी से पूछिए, कहेगा धंधा 70-80% मंदा है। खट्टर सरकार के हाथ लगभग 200 लोगों के खून से सने हैं, जिनको गोलियों से, पुलिस की गोलियों से भूना गया। वो चाहे डेरा सच्चा सौदा के प्रेमी हों, चाहे वो बाबा रामपाल के अनुयायी हों, चाहे वो आरक्षण के अंदर मारे गए लोग हों। पूरी सरकार में न शासन का स्वभाव है, न गति और दिशा। ऐसा लगता है कि सिर्फ अफसरशाही अपनी मन मर्जी कर रही है और पूरा का पूरा प्रांत आज त्राही त्राही कर रहा है। सबसे खूंखार आतंकी संगठन अलकायदा के मोस्ट वांटेड आतंकी को मार गिराया गया है। आतंकी मौलाना आसिम उमर अलकायदा की भारतीय उपमहाद्वीप की शाखा का सरगना था। अमेरिका और अफगानिस्तान के सुरक्षा बलों ने ज्वाइंट ऑपरेशन में आसिम उमर को ढेर कर दिया। वो 2014 में अलकायदा का सरगना बना था। आसिम उमर उत्तर प्रदेश के संभल का रहने वाला था और 90 के दशक में पाकिस्तान चला गया था। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।